नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है और उसी का नतीजा है कि देश में अनलॉक जो है वो बढ़ाया जा रहा है और लॉकडाउन में काफी छूट दी जा रही है। अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में दुकानदारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है और दुकानों का समय जो है वो सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक कर दिया है। ऑड इवन का फॉर्मूला हालांकि अभी भी लागू रहेगा, लेकिन संक्रमण की रफ्तार जिस तेजी के साथ घट रही है, ऐसे में अब सभी की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन तस्वीरें अब आपको अंबाला शहर की दिखा देते हैं कि अंबाला में जिस तरह ही लोगों को छूट दी गई है तो लोगों की लापरवाही भी बढ़ने लगी है। बाजारों में लोग सरेआम अब घूमते हुए नजर आ रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों के चेहरे से मास्क भी अब गायब होने लगे हैं, या यूं कहें कि लोग अब कोरोना संक्रमण का डर जो है उसे भूलने लगे हैं। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि संक्रमण की रफ्तार अब कम हुई है तो सरकार ने छूट दी है, लेकिन सरकार के नेता और मंत्री पहले ये कह चुके हैं कि अगर मामले बढ़े, अगर लापरवाही बढ़ी तो ये छूट वापस भी ली जा सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति आए, दोबारा से दी जा रही छूट को सरकार वापस ले ले, तो आप लोग कृपया ये जो लापरवाही बरत रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। तस्वीरें अंबाला शहर की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहे हैं। आज के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की अगर अंबाला की मैं बात करूँ तो आज अंबाला में 38 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की आज कोरोना की वजह से जान भी गई है। तो वहीं जो लोग आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या आज की 57 है। तो संक्रमण जो है वो काफी तेजी से कम हो रहा है, लेकिन ये जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं ये स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आमजन की चिंताएं भी बढ़ा सकती है। चिंता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अगर संक्रमण दोबारा फैलता है, अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो सरकार किसी भी तरह की सख्ती के लिए तैयार बैठी है। सरकार के मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अगर लापरवाही बढ़ती रही, लापरवाही के साथ साथ अगर कोरोना के मामले बढ़े तो जो छूट दी गई है उसे वापस भी ले लिया जाएगा, उस पर भी विचार सरकार लगातार कर रही है। तो ऐसे में गुजारिश यही है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कामकाज, आपका व्यवसाय निरंतर चलता रहे तो बिल्कुल भी जो लापरवाही है वो ना बरतिए। तो हमारी आपसे बार बार यही गुजारिश है कि आप लोग लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतिए। खबरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मुहिम, सीपैप और बाईपैप मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम, समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आएं और दिए गए नंबर 9315348688 पर संपर्क करें।